हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रुबीना अख्तर। इफ़ यू लाइक माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू डोंट वांट टू मिस माय लेटेस्ट वीडियोस। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। बाहर बारिश हो रही है और एक चिड़िया देख रहे हैं वो बुरी तरह से भीगी हुई है और वो मेरे रूम में घुस गई है, तो निकलने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है, चारों तरफ से बंद है। तो अब मैं इसे निकालना चाह रही हूँ, ये बहुत कोशिश कर ली तो अब मैं इसे निकाल दूँगी। देखिए, कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, चारों तरफ से बंद है लेकिन ये कोशिश किए जा रही है। बिल्कुल थक चुकी है, अब मैं विंडो खोल रही हूँ, निकल गई अब ये। सामरो, ये क्या पानी है? उनको ठंडा लग रहा है? ग्लव्स भी पहनेगी अभी? ग्लव्स, मोजा सब पहनेगी, टोपी भी पहनेगी? इतना ठंडा लग रहा है तुमको? आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो आज मैं कोई कुकिंग नहीं करूँगी। आज मैं अपने लिए ड्रेस बनाऊँगी, ड्रेस की कटिंग करूँगी। तो ये जो कपड़ा मैंने बिछाया है ये सलवार का कपड़ा है, ये ऊपर का कुर्ती का कपड़ा है, तो इसमें ये प्रिंट दोनों तरफ से सेम है। इसे मैं दो पार्ट में काटूंगी, सबसे पहले फ्रंट काटूंगी फिर बैक। मैंने एक पार्ट को लिया और इसे बहुत अच्छी तरह से बिछा लूंगी ताकि नीचे कपड़ा मुड़ा ना रहे। इस कपड़े की लेंथ है 46 लेकिन मुझे चाहिए 44, तो मैं ये 2 इंच रखूँगी मोड़ने के लिए, तो इसकी लंबाई मैं पूरा ही रख लूँगी। अब यहाँ से मैं 3 निशान लगाऊँगी, 1.25 पे, 1.5 पे और 1.5 पे। तीनों निशान को मैं बराबर कर लूँगी। अब मैं कंधे का निशान लगाऊंगी 1.25 पे। अब नीचे से भी 1.25 इंच लूँगी। अब कंधे से इसको मिला दूँगी। मेरा चेस्ट है 33 इंच, उसमें 4 इंच लूजिंग डालूँगी तो हो रहा है 1.25 इंच। 1.25 इंच पे निशान लगा दूँगी। अब मेरा वेस्ट है 28 इंच, उसमें 3 इंच लूजिंग डालूंगी तो हो रहा है 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। हिप हो रहा है 35 इंच, उसमें 3 इंच लूजिंग डालूंगी तो 9.5 पे निशान लगाऊंगी। अब इसको शेप दूंगी। शेप देने के बाद अब मैं इसमें आर्म होल का शेप लगाऊंगी। अब मैं अच्छी तरह से गोलाई में आर्म होल का शेप लगा रही हूँ, बिल्कुल गोलाई में हो। अब मैं इसे काट लूँगी। अब फ्रंट पार्ट का गला काटूंगी। गला मैं ज़्यादा डीप नहीं लूंगी, 2.5 इंच लूंगी। गले को मैं 6 रखूंगी। अब मैं गले का शेप दूंगी। गले का शेप देने के बाद अब मैं काट लूंगी। अब मेरा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है, अब मैं बैक का काटूंगी। बैक साइड बिल्कुल सेम कटेगा, सिर्फ मैं गले को छोटा करूंगी। ये है बैक साइड, अब बैक साइड का मैं गला काटूंगी। बैक साइड का गले का शेप दूंगी और शेप देने के बाद मैं इसको गले को काट लूंगी। बैक और फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, अब मैं काटूंगी स्लीव्स। अब मैं स्लीव्स का कपड़े को बिछाऊंगी और इसको 4 फोल्ड कर लूंगी।
मैं स्लीव्स की लंबाई रखूँगी 20 इंच, उसमें 2 इंच मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए। आप स्लीव्स में यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाऊँगी और लंबा निशान लगा लूँगी। अब मैं मोहरे का शेप दूँगी। स्लीव्स का जो मोहरी है उसे मैं 6 इंच रखूँगी, मैं थोड़ा ढीला रखूँगी और इसमें निशान लगाऊँगी। अब मैं मोहरे का शेप दूंगी। अब इसे मैं काट लूंगी। अब मोहरे को फ्रंट का हल्का सा उसे काटूंगी, शेप दूंगी। कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं सलवार काटूंगी। सलवार के कपड़े को मैं फोल्ड कर लूँगी। मेरे सलवार की पूरी लंबाई है 38 इंच, इसमें मैं 7 इंच का बेल्ट निकालूंगी और 33 पे मैं काटूंगी, 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी पाइचे के लिए, मोरी के लिए। 33 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। अब मैं इसके लाइन को बराबर कर लूँगी। अब मैं पूरे कपड़े की लंबाई ले लूँगी और लंबा लेकर जितना रहेगा उसका मैं हाफ करूँगी। कपड़े की पूरी लंबाई 41 है, उसका मैं हाफ करूँगी। 20.5 इंच पे मैं निशान लगाऊँगी। अब मेरा मोहरी है 9 इंच, तो अब मैं इसमें यहाँ से निशान लगाकर मोहरी से इसको मिला दूँगी। इस तरीके से काटने से हमारी जो सलवार की घेर है वो बहुत ज़्यादा होती है कम कपड़े में। अब इस हिस्से को मैं कली जोड़ दूंगी, इससे घेर ज़्यादा हो जाएगा। ये हिप रखूंगी मैं 9 इंच, ये 9 इंच हाई है। अब इसे मैं काट लूँगी। अब सलवार का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा सलवार कमीज दोनों की कटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ इसे सलवार का मुझे बेल्ट काटना है। मैं बेल्ट थोड़ा ढीला ही रखती हूँ, तो इसलिए मैं बेल्ट को 25 रखूँगी और 9 इंच रखूँगी इसका चौड़ा, इसका जो चौड़ाई है वो 9 इंच और लंबाई 25 इंच। ये 7 इंच मैं रखूँगी और 2 इंच रखूँगी एक्स्ट्रा डोरी डालने के लिए, ये मैं इजारबन डालने के लिए 2 इंच रखूँगी, तो पूरा टोटल 9 इंच। अब मैं इसे काट लूँगी। अब ये मेरा बेल्ट तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरे व्लॉग में इसे सिल कर दिखाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में याद रखिएगा।